हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सर मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है। उन्हें अन्य देवताओं से ऊपर माना गया है। कहा जाता है कि देवी आदिशक्ति हैं, उन्हीं से ही संसार की रचना हुई है। इस संसार को बनाने वाली आदिशक्ति ही हैं। आदिशक्ति के नवरात्रे चल रहे हैं। इन नवरात्रों में की गई पूजा से विशेष फल प्राप्त होता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अगर श्रद्धा पूर्वक भाव से कर ले तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप दुर्गा बीज मंत्र का जाप करें। ओम रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम रीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि आप दुर्गा मंत्र का जाप रात्रि में भी करें तो यह फलदायी सिद्ध होता है। माँ दुर्गा का जप करते समय जपा पुष्प के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप चंडी पाठ या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का बहुत महत्व बताया गया है, यह भी आप कर सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक स्त्री देवी का ही रूप होती है, इसलिए यदि स्त्रियों का सम्मान किया जाए तो इससे माँ प्रसन्न होती है। घर की स्त्रियों और कन्याओं को भी मान सम्मान देने से देवी माँ उस घर पर सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। यदि गरीब बच्चों को खुश किया जाए, उन्हें भोजन कपड़े आदि दान में दिए जाएं, तो भी देवी माँ प्रसन्न होती हैं। भूखे प्यासे जानवरों की मदद करने से भी देवी माँ प्रसन्न होती हैं। किसी जानवर या पक्षी किसी की भी सेवा करने से माँ देवी आप पर अपार कृपा करेंगी। माँ का ऐसा भक्त जो छल कपट लोभ से दूर हो, देवी माँ उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी या फिर नवरात्र का उपवास करने से भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। यदि सच्चे मन से व्रत किया जाए तो अवश्य सफल होता है और माँ देवी प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।